हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रिकेट जंकी में। आज हम बात करने वाले मुंबई वर्सेस गुजरात के बीच खेले जाने वाले आईपीएल के मुकाबले के बारे में, जो खेला जाना है कल शाम को 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। गुजरात जहां पर टेबल टॉपर है, वहीं मुंबई भी तीसरे नंबर पर पहुँच चुकी है और आईपीएल काफ़ी ज़्यादा रोमांचक हो चुका है। तो इस मैच के लिए मुंबई जीतना चाहेगी और वो भी अपनी प्लेऑफ्स की रेस में अपने आप को आगे शामिल करना चाहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल से हम लोग समझने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहेगा। उससे पहले मेरी आप लोगों से हमेशा की एक प्यारी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट रहने वाली है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के साथ, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बोले। बात करते हैं इस मुकाबले की। मुकाबला शाम को 7:30 बजे शुरू होना वानखेड़े स्टेडियम में। सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ की पिच रिपोर्ट की अगर बात करते तो यहाँ पे खेले गए 110 मैचेज में पहली इनिंग का एवरेज स्कोर 168 है, वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 157 है। टीमें यहाँ पे मैचेज किस प्रकार जीतती, यहाँ पे चेज काफी ईजी होता है, लास्ट के कुछ मैचों से यहाँ पे काफी सारे 200+ रन्स भी बन रहे हैं। बैटिंग फर्स्ट 48%, बैटिंग सेकंड 52% मैच जीती है और 200 रन बना के भी टीमें सेफ स्कोर महसूस नहीं करें, लगातार टीमें मैचेस जीत रही हैं चेज करके। विकेट्स की बात करता हूं तो विकेट्स की हम बात करें तो पेसर्स ने 68% विकेट एंड स्पिनर्स ने 32% विकेट निकाले, जिसमें पेसर्स को 68 विकेट एंड स्पिनर्स को 42 विकेट मिली हैं। हेडवर्ड की लास्ट दो मैचों पर हम नजर डालते हैं दोस्तों, तो देखो मुंबई ने एक मुकाबला जीता, वही गुजरात की टीम ने भी एक मुकाबला जीता, तो टक्कर का मुकाबला आप लोगों को इस मैच में देखने को मिलने वाला है। अब फटाफट हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों का प्लेइंग 11 में क्या नजर आने वाला है। प्लेइंग 11 मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो रोहित शर्मा कप्तान ओपन करेंगे ईशान किशन के साथ, कैमरन गेन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टीम डेविड, निहाल वदेरा, क्रिस जॉर्डन, पीयूष चावला, अरशद खान, जैसन बैंड्रफ और आकाश माधवाल, इन 12 में से ये प्लेइंग 11 सेलेक्ट होने वाले जो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में एक दो प्लेयर आ सकते हैं। वहीं बात करें जीटी के लिए तो जीटी के लिए शुभमन गिल, रिद्धिमान शाह ओपन करेंगे, फिर कप्तान पांड्या, विजय शंकर, मनोहर, डेविड मिलर, राहुल तेवातिया, राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद शामी, अलजारी जोसेफ और मोहित शर्मा। तो कुछ इस प्रकार से गुजरात का प्लेइंग 11 नजर आने वाला। अब दोनों टीमों के लिए बात करें, देखो सूर्या जिस हिसाब से आईपीएल के स्टार्टिंग में लौटे थे वो चीज उन्होंने भुला के अब वापसी कर चुके और लगातार हाफ सेंचुरी जड़ रहे हैं, 376 रन बना चुके हैं। वहीं ईशान किशन ने भी 335 रन बनाए हैं, हर मैच में स्टार्स टीम को दिलाया। पीयूष चावला एक्सपीरियंस काम आते हैं, 17 विकेट प्लस जैसन बैंड्रफ जैसा बिग बैश में परफॉर्म करके आए थे, यहां पर भी अच्छा करें, 11 विकेट निकाल चुके हैं। विकेट्स की बात करें, रन की बात करें जीटी के लिए तो गिल 11 मैचों में 469, क्योंकि गिल का मामला सेट हो चुका है। वहीं हार्दिक पांड्या के लिए 10 मैचों में 277 रन बने हैं। राशिद और मोहम्मद शामी ने दोनों मैचों में 11-11 मैच खेल के दोनों ने 19-19 विकेट निकाल लिए, तो काफी ज्यादा मजबूत गुजरात की नजर आती है। एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं दोनों टीमों के, तो मुंबई की बात को तो रोहित शर्मा का फॉर्म बहुत कंसर्न है, लास्ट के 4 मैचों से तो 00+2-3 रन ही बनाए हैं, रन नहीं बने हैं। ईशान की फॉर्म लौट चुकी, बड़ी पारियां उनकी आने लगी, वो स्टार्ट अच्छा कर रहे थे लेकिन बड़ी पारियां भी निकल आई है उनकी, स्काई कंटिन्यू 3-4 रन से तक जड़ चुके हैं, तिलक का फॉर्म अच्छा चल रहा है, कैमरन गेन अग्रेसिव अप्रोच में खेल रहे हैं, टीम डेविड एज ए फिनिशर अच्छा फिनिश करें, बैटिंग ऑर्डर इनके पास निहाल वदेरा पूरा का पूरा पावर हाउस इनके पास बैटिंग में, पीयूष चावला स्पिन डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं और अभी उन्होंने तो क्रिस जॉर्डन को साइन किया। थोड़ा सा दिक्कत है वो गेंदबाजी में है, जहां पर इनके एक दो बॉलर्स अच्छे नहीं है, अगर वो अगर अच्छा हो तो मुंबई जिस तरह से 5 बार चैंपियन बनी हुआ और इस बार आपको हैरानी नहीं होगी कि वो 6ठी बार भी चैंपियन बनती हुई नजर आए। वहीं बात करते हैं गुजरात की, देखो शुभमन गिल का शो कंटिन्यू जारी है, वहीं साहा ने अच्छे स्टार्स दिलाए हैं, लास्ट के 2-3 मैचों से अटैकिंग पारियां खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या को ऑल राउंड परफॉर्म निकला, न्यू बॉल के आर्टिस्ट मोहम्मद समी जो हर गेंद पे स्टार्टिंग में विकेट दिलाने की मादा रखते हैं, स्पिन का जादू अफगानी तड़का, राशिद खान और नूर अहमद दोनों के दोनों फॉर्म में, प्लस फिनिशिंग के लिए डेविड मिलर हैं, अभिनव मनोहरा, प्लस जरूरत पड़ने पे विजय शंकर ने भी अच्छी पारियां खेली हैं। तो भाई गुजरात की टीम तो फुल पावर परफेक्ट टीम है। तो दोस्तों सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, कौन सी टीम मुकाबला जीत सकती है उसकी हम बात करें, देखो दोनों टीमें 50-50% मैच जीतती हुई मेरे हिसाब से नजर आती है और कांटे का मैच आपको एक रोमांचक मुकाबला आपको इस वेन्यू पे देखने को मिल सकता है, जैसे लगातार आपको वानखेड़े पे देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों अगर आपको इस मैच की फिक्स रिपोर्ट चाहिए, जैसे कि टॉस, सेशन, मैच में से लेकर सारे डिटेल्स वगैरह, तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर नजर आने वाला, दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए व्हाट्सअप, टेक्स्ट मैसेज, कॉल कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आईपीएल के हमने लगभग मैच खत्म होने को और यहाँ पर 90% एक्यूरेसी के साथ 50+ मैच हमने पास करवाए, तो भाई मलिक मुंबई जैसे, राजा बैट्स जैसे बड़े बड़े नाम, उन सितारों से भी हमने बहुत अच्छा खासा आप लोगों को पैसा जितवाया। तो भाई अगर आप भी गलत टिपर के चक्कर में फंस के पैसा हार रहे हो तो उनको छोड़ो, यहाँ पे आओ, नंबर डायल करो, अभी 10 मैच है, 10 मैच में ट्राई करो, आगे वर्ल्ड कप जैसा बड़ा स्टेज आने वाला तो वहां पे भी आपको लगातार हम मैच जिताने वाले हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस मैच की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना, कॉन्टैक्ट नंबर पे तो कॉल करना भूलना भी नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट मैच की किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट जंकी पे, तब तक के लिए गुड बाय।